Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. Hope you all are good. So, yesterday we were completed chapter number 1 with question answers. Hope you all are done question answer in your notebook. Yes? Okay. So, today we are going to start chapter number 2. So, please take out your books and open page number 6. So, our second chapter is neighborhood. यानी कि हमारे आसपास का एरिया, हमारा जितना भी आसपास का एरिया होता है उसको हम कहते हैं हमारा नेबरहुड. ओके, नेबरहुड आर द पीपल, नेबर्स आर द पीपल हु लिव नेक्स्ट टू आवर हाउस और नियर आवर हाउस. नेबर्स हेल्प ईच अदर, दे आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. नेबर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि हमारे घर के आस पास रहते हैं, हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पास में रहते हैं. नेबर्स हेल्प ईच अदर, जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पड़ोसी. जो नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, और वो सारे फेस्टिवल्स भी साथ में सेलिब्रेट करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेबरहुड. द एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड. जो एरिया हमारे हाउस के अराउंड होता है, मतलब हमारे हाउस के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं नेबरहुड. मार्केट्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप और आर ऑल पार्ट ऑफ अवर नेबरहुड. जो मार्केट एरिया होता है हमारे घर के पास, कोई मार्केट एरिया होता है ना, पार्क्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं और मंदिर भी होते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने की जगह, जो कि मंदिर, और ये सारा पार्ट हमारे नेबरहुड में इंक्लूड होता है. नेबरहुड यानी हमारे आसपास के एरिया में ये सब कुछ होता है. वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन. हमें हमारे आसपास का एरिया क्लीन रखना चाहिए, साथ साथ में ग्रीन भी रखना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. नाउ प्लेसेस इन अ नेबरहुड. मार्केट, एक नेबरहुड में कौन कौन सी प्लेसेस होती है? तो फर्स्ट टॉपिक इज मार्केट. A shop is a place where we can buy something. Market, market में एक shop होती है जो एक ऐसी place होती है जहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं. Its owner is called a shopkeeper. और उस shop के जो owner होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको हम कहते हैं shopkeeper. Now let's move on to the next page. A market is a place where people buy various things from shops. एक मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ से लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं शॉप से. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स. यहाँ पर बहुत सारी तरीके की शॉप्स होती है, जैसे ग्रॉसरी शॉप हो गई, केमिस्ट शॉप हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, एक्सेट्रा. अब हम ये पढ़ते हैं ग्रॉसरी शॉप क्या होती है. वी कैन बाय फूड आइटम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज हियर. ग्रॉसरी शॉप होती है जहाँ पर हम हमारा डे टू डे, लाइक शुगर हो गया, और जैसे हमें डे टू डे जो हम चीज़ें लेते हैं यूज़ में, उसकी जो शॉप होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉसरी शॉप. नाउ अ केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप कौन सी होती है? जो दवाइयों की शॉप होती है जहाँ से हम मेडिसिंस बाय कर सकते हैं. स्टेशनरी शॉप. अ स्टेशनरी शॉप सेल्स पेंसिल, पेंस एंड इरेजर. स्टेशनरी शॉप होती है जहाँ से हम हमारी पेंसिल, पेन और इरेजर परचेज करते हैं. ग्रीन ग्रॉसर क्या होते हैं? जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करते हैं. मिल्क बूथ क्या होते हैं? जहाँ से हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर एंड ऑल हो गया, कर्ड हो गया, ये सब हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्क. अ पार्क हैज़ लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. पार्क्स में बहुत सारे ट्रीज और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. इट ऑल्सो हैज़ मैनी स्विंग्स. वहाँ पर बहुत सारे झूले होते हैं, जैसे कि सी सॉज हो गए, स्लाइड्स हो गए, ये सब वहाँ पर होते हैं. वी गेट फ्रेश एयर इन द पार्क. हमें फ्रेश एयर मिलती है पार्क में. वी मीट मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हियर. हम वहाँ पर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं. मैनी पीपल एक्सरसाइजेस हियर. बहुत सारे पीपल यहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं. वी शुड कीप आवर पार्क क्लीन. और हमें हमारे पार्क को क्लीन रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस. वी कैन सेंड लेटर्स टू अदर प्लेसेस थ्रू अ पोस्ट ऑफिस.
ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस होते हैं, यहाँ पर हम लेटर, वहाँ लेटर पर एड्रेस लिख के यहाँ पर हम लेटर डाल सकते हैं और हम लेटर्स दूसरी जगह भेज सकते हैं थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। वी कैन बाय स्टैम्प्स, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम ये सब चीज़ें पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। लेटर्स आर कीप्ड इन ए स्टैम्प्ड एनवेलप्स वेल पोस्टिंग। हमें स्टैम्प एनवेलप्स होते हैं लिफाफे, उनके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ होता है, तो हमें लेटर्स वहाँ पोस्ट करने चाहिए। लेटर्स जो हैं किस में रखने चाहिए? स्टैम्प्ड एनवेलप्स में। वी कैन ड्रॉप लेटर्स इन ए लेटर बॉक्स। हम हमारा लेटर इन लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ए पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर टू पीपल्स होम्स एंड ऑफिसेस। एक पोस्टमैन डिलीवर करता है लेटर को लोगों के घर में और ऑफिसेस में। सो टुडे यू हैव टू रीड द चैप्टर। जितना मैंने समझाया है आपको वो रीड करना है और एक बार फिर से खुद समझना है। देन If you have any problem, then note it down and I will solve it in your query class. Okay. So for today, your homework is also just read the chapter till page number 7. We will meet tomorrow.